करते हैं और रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ ये। बहुत दिनों से मेरे चैनल पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, तो सोचा अभी बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी कितना माइलेज देगी ये सोच के मैंने ये वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन अभी मैंने भी माइलेज नहीं देखा मेरी गाड़ी ने कितना दिया है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ माइलेज कितना है मेरे गाड़ी ने, मतलब माइलेज निकाला कितना है, वो सब इस वीडियो में डिटेल में बात। तो अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अगर बात करूँ मैंने जो डीजल डाला है वो कितने का डाला है, जाते टाइम मेरी गाड़ी की रेंज सच में बात कर रहा हूँ जीरो थी, एक्चुअल में जीरो। वहाँ से पेट्रोल पंप गया, पेट्रोल पंप से मैंने 1000 का डीजल डलवाया मेरी गाड़ी में, कुछ तो भी 225 या कुछ तो भी समथिंग रेंज आई थी, मुझे कुछ इतना याद नहीं। उसके बाद अब आते टाइम अभी मैंने 700 का पेट्रोल मतलब डीजल डाला है, 700 और 1000 टोटल मिला के 1700 का मैंने डीजल डाला है, और 1700 में अभी मेरे गाड़ी की रेंज बाकी है। देखो आप देख रहे होगा आपको यहाँ पे मेरी गाड़ी की अभी रेंज बाकी है 140, मतलब 140 की रेंज अभी भी गाड़ी में बाकी है। तो अभी यहाँ तक अब मेरी गाड़ी कितनी चली मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने भी एक्चुअल में ट्रिप नहीं देखी है और कितना माइलेज दिया वो भी नहीं देखा है। तो अभी मैं आपको सामने मतलब आपके सामने ही मैं शो करता हूँ कि कितना माइलेज दिया और कितनी ट्रिप गाड़ी चली। ओके, तो ये देखिए ये तो ओवरऑल है। ओके, ये तो ओवरऑल गाड़ी चली हुई है। ओके, ये ट्रिप जो है मैं जब घर से निकला था तब का है, आपको दिखा देता हूँ कितना है यहाँ पे कितना शो कर रहा है, देख लीजिए आप। ये देखिए, एक मिनट में गाड़ी साइड में ले लेता हूँ। ओके, तो अभी देख सकते ये जो ए ट्रिप है 331 किलोमीटर की, मतलब जो मेरी ट्रिप थी ए ट्रिप जो मैंने सेट किया है वो 331 किलोमीटर हो चुकी है। मैं गया था संभाजीनगर मतलब औरंगाबाद से कुछ तो भी पाथरी बोल के, वहाँ से कुछ तो भी लगभग बहुत मतलब अंदर गांव था, वहाँ गया था 70-80-90 और आते टाइम 100 की स्पीड भी मैंने टच किया है। इतने स्पीड में मेरी गाड़ी ने माइलेज दिया है ऑन AC। अभी ये रियल कंडीशन में कोई भी झूठ नहीं है, 29.2 किलोमीटर डीजल इंजन है होंडा में इसका और बहुत ही रिलायबल इंजन है, और मेरे ख्याल से इतना माइलेज शायद ही डीजल इंजन में भी कोई देती होगी। ये मेरा 2019 का मॉडल है और अभी भी देती होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। मेरी गाड़ी पता नहीं कितना माइलेज देती, मतलब देती इतना तो है 29। और ये बी ट्रिप थी जो भी मैंने जब वहाँ से हॉस्पिटल से जो पेशेंट था जिसको मैंने पिकअप किया था वहाँ से, ये जो रेंज है 326 हुई है और उसका माइलेज देखिए आप 29.6। मतलब मेरी गाड़ी मेरे हाथ में अभी रेंज बाकी है 139 और मैंने डाला था 1700 रुपये का टोटल डीजल, तो गाड़ी का माइलेज मेरे लाजवाब है इसमें नो डाउट है मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन होंडा वालों ने ये गाड़ी क्यों डिसकंटिन्यू किया है मतलब पता ही नहीं है। अभी इतना अच्छा खासा माइलेज आपको मिलता था कंपटीशन में आपके साथ, मतलब ना स्विफ्ट डिज़ायर की डीजल थी ना जो टोयोटा की थी इटॉस, कोई भी कंपटीशन में नहीं था, तब भी इन्होंने डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों डिसकंटिन्यू किया उसका रीज़न तो वो नॉर्म्स ही थे कि BS6 के जो नॉर्म्स थे वो मतलब इनको बेचने के लिए पुरता नहीं था, इसलिए इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी पेट्रोल है, पेट्रोल का माइलेज क्या है 20 के ऊपर ही वो क्लेम करते हैं, लेकिन ये जो डीजल का माइलेज है ना आपको शायद ही किसी और गाड़ी में देखने को मिलेगा। मेरी गाड़ी का रियल कंडीशन माइलेज है और आपके सामने है। अभी बस इसके अलावा कुछ नहीं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।